बड़ी खुशी तुहाडे चेहरे ते है क्योंकि ये खुशी तो अज मैं लगता सारी इंडिया दे विच ही चल रही है क्योंकि तुहानू ज़्यादा खुशी इस करके है कि तुहाडी देन है। मैनू बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि ये मैडल आए तो मैं प्रे करती हूँ कि ये ओलंपिक्स दे विच भी मैडल आवे। बच्चे आउंदे आ ट्रेनिंग लैंदे आ के उस वक्त तुहानू किवें लगता जदों पहली ट्रेनिंग शुरुआत की है जी उस सिर्फ स्टार्टिंग तो ही जिवें कुछ गलती हुंदी सी तां बड़ी छेती पिक कर लैंदी सीगी तां सानूं पहला हुंदा सी कि डिस्ट्रिक्ट दे विच मैडल आए फिर पहले साल ही ने डिस्ट्रिक्ट दे विच भी ले फिर स्टेट दे विच हौली हौली वधदी गई ते तुसीं अज सारा इंडिया देख सकदे हो कि इहने की अचीव कीता है। सरकार वल्लों कोशिश हैगी है जारी तां कुड़ियों नूं इह कहूंगी कि आओ अग्गे आओ ते जिहड़ा तुसीं ड्रीम जिहड़ा तुसीं जिहड़े फील्ड विच भी तुसीं जाणा चाहुंदे हो उहनूं जरूर अचीव करो। तां सिफत कौर समरा ने अज जो उपलब्धियां हासिल कीतियां ने जिवें कहिंदे हो कि टीचरां दे पिछे अध्यापकां दा हत्थ हुंदा तां जिहड़े खिडारी है उहनां दे पिछे कोचस दा हत्थ हुंदा। तां सिफत कौर समरा दी पहली कोच है सुखराज कौर साडे नाल है जिसने सेध दित्ती ते अज इस उपलब्धी ते इहनां दी देन है ओह पहुंची है। सब तों पहलां तां मुबारकां। थैंक यू, बहुत बहुत धन्नवाद जी। बड़ी खुशी तुहाडे चेहरे ते है क्योंकि इह खुशी तां अज मैनूं लगदा सारी इंडिया दे विच ही चल रही है क्योंकि तुहानू ज़्यादा खुशी इस करके है कि तुहाडी देन है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, मैनू बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि ये मैडल आए तो मैं प्रे करती हूँ कि ये ओलंपिक्स दे विच भी मैडल आवे। हाँ जी, किवें जिहड़ियां तैयारियां शुरुआत दे विच क्योंकि जिहड़े बड़े बच्चे आउंदे आ ट्रेनिंग लैंदे आ के उस वक्त तुहानू किवें लगदा जदों पहली ट्रेनिंग शुरुआत की है जी उस सिफत दे नाल? जदों सिफत दे नाल स्टार्टिंग च कीता है तां इहने स्टार्टिंग तो ही जिवें कुछ गलती हुंदी सी तां बड़ी छेती पिक कर लैंदी सीगी तां सानूं पहला हुंदा सी कि डिस्ट्रिक्ट दे विच मैडल आए फिर पहले साल ही ने डिस्ट्रिक्ट दे विच भी ले फिर स्टेट दे विच हौली हौली वधदी गई ते तुसीं अज सारा इंडिया देख सकदे हो कि इहने की अचीव कीता है। सुरा जी मन दे विच सीगा वी सिफत चल इन्ना तां हो जांदा वी किते ना किते जिहड़ा इह पहला दूजा नाम जित लूगी, चलो इह सोचिआ सीगा कि वर्ल्ड रिकॉर्ड ही बना देना कि तुहाडे जिहड़े स्टूडेंट ने तुहाडे ट्रेनी ने? वर्ल्ड रिकॉर्ड तक तो नहीं सी बट हाँ उम्मीद जरूर सी भी एदा क्योंकि इहदी परफॉर्मेंस मतलब कि लगातार अच्छी दिन ब दिन आप देख सकते पहला वर्ल्ड कप दे विच मैडल इन्ने लैके आंदे जूनियर वर्ल्ड कप फिर सीनियर दे विच तां सी भी ए मैडल तो जरूर लैके आऊगी। हुण ओलंपिक्स दे विच भी सानू पूरी पूरी उम्मीद है कि ये लैके आऊगी। ओलंपिक तक भी सोच रख लिया होना है? बिल्कुल बिल्कुल, ओलंपिक्स तक भी सानू उम्मीद हैगी कि ये लैके आऊगी। जिहड़ियां बच्चियां अज भी जिहड़ियां खेडां तों पिछे है उहनां वास्ते कोई सुनेहा? पहला तो यही है कि डिपार्टमेंट हुण कर रहा है एक कोशिश उन्होंने जिवें हुण नर्सरियां स्टार्ट कीतियां हैगियां तो बच्चों वास्ते यही कुड़ियों वास्ते है ना तो सरकार वालों कोशिश हैगी है जारी तो कुड़ियों नूं यही कहूँगी कि आओ अगे आओ तो जिहड़ा तुसीं ड्रीम जिहड़ा तुसीं जिहड़े फील्ड विच भी तुसीं जाना चाहुंदे हो उहनूं जरूर अचीव करो। बहुत बहुत धन्नवाद। तो ये सन सुखराज कौर सिफत कौर समरा दे पहले कोच, तो इन्हां दी बहुत वड्डी देन है जिहड़ी अज प्राप्ति सामने आई है। तो इन्होंने कहा कि आने वाले समय तक इतों तक ही सीमित नहीं ओलंपिक तक भी जिहड़ा असी इंडिया का पंजाब का नाम रोशन करांगे। कैमरामैन मनप्रीत सिंह दे नाल गुरजीत सिंह रमाणा, D5 चैनल पंजाबी फरीदकोट। निडर हाँ, निरपक्ष हाँ, आज़ाद हाँ, सच कहां गल करांगे सियासी हवा दी होणगे हुकमरानां नूं सीधे सवाल। सब तो पहला पहुंचावांगे तुहाडे तक सिर्फ सच्ची खबर, दसांगे कौन कर रहा है थोड़े ते सबर, विदेशां च बैठे पंजाबियां दे हक दी करांगे गल, कनेडा दी हर सियासी खबर लेके आवांगे तुहाडे वल, उभरांगे पंजाब दी आवाज बन के, होणगे हर पहलू ते रोज चर्चे, खोलांगे अंदरूनी राज, बणांगे बुलंद आवाज, खेड सिक्ख्या सेहत खेती दी बात पावांगे, हर पिंड हर शहर जावांगे, मनोरंजन नाल जुड़े कलाकारां नाल करवावांगे मुलाकात, संघर्षां वाली जिंदगी ते मारांगे चाल, की ने साडे कानून फर्ज ते अधिकार, की करदी है साडी सरकार, की है तुहाडी मुश्किल दा हल, D5 चैनल पंजाबी दी कचहरी च होवेगी सिर्फ लोकां दी गल, धर्म धरोहर सेहत और संस्कृति की होगी बात, अब D5 चैनल हिंदी भी होगा सर, D5 चैनल पंजाबी, अपनी धरती अपने लोग। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਰਾਜ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ।